दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव को होली के दिन ही लेना पड़ा था शरब अवतार। जी हाँ, और आखिर शरब अवतार और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बीच किस तरह से हुआ महायुद्ध, आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेकों अवतारों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, भगवान शिव के 19 अवतारों की अत्यधिक चर्चा सुनने को मिलती है और इसी में से एक है भगवान शिव के सबसे खतरनाक अवतारों में से एक, यानी कि शरब अवतार। और जानते हैं दोस्तों, होली के दिन ही शरब अवतार लिया गया था। जी हाँ, यही अवतार ग्रहण करने के बाद महादेव ने वस्त्रों के रूप में सिंह चर्म का इस्तेमाल शुरू किया। शरब यानी कि सिंह, गरुड़, हिरण और शिव के प्रमुख गण है और वीरभद्र का मिला जुला रूप है। ये भगवान शिव का अति विचित्र और भयानक स्वरूप है, जिसमें परमेश्वर सदा शिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का गर्व नष्ट करने के लिए इसे धारण किया था। दोस्तों, संस्कृत साहित्य के ग्रंथ में शरब का वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है, उनके पास गरुड़ के दो पंख, तीखी चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, सिंह के पंजे, 8 पैर और शीश पर जटा और चंद्रमा है। वे इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी माने जाते हैं। वो एक छलांग में ब्रह्मांड के इस पार से उस पार तक जाने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव ने धरती को नरसिंह के क्रोध से बचाने के लिए शरब अवतार धारण किया, क्योंकि नरसिंह रूप धारण करने के बाद भगवान श्री हरि पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए व्याकुल हो रहे थे, अपने गुस्से को शांत नहीं रख पा रहे थे। दोस्तों, असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए थे। वे चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी कि खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करें, लेकिन प्रहलाद तो भगवान विष्णु का भक्त था। कई बार प्रहलाद को मारने के प्रयास किए गए, उन्हें पहाड़ियों से फेंका गया, तहखाने में बंद कर दिया, जहर देने की कोशिश की गई, सांपों से डसवाया गया, जंजीरों में बांध कर पानी में डुबा दिया गया, लेकिन प्रहलाद बार बार बच गए। आखिर में असुर हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की और उसी जद्दोजहद में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि अपनी बहन होलिका को बुलाकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें प्रहलाद के साथ जलती हुई आग में बैठने के लिए कहा। दोस्तों, होलिका को यह वरदान था कि वह किसी भी आग में नहीं जल सकती, लेकिन उस दिन कुछ उल्टा ही हुआ। होलिका खुद जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। ऐसे में ही भगवान विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। उन्होंने खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। दरअसल हिरण्यकश्यप को एक वरदान था कि ना उसे कोई पुरुष, ना महिला, ना ही कोई जानवर मार सकता है, ना उसे किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना ही घर के अंदर, ना ही घर के बाहर मारा जा सकता है, ना ही उसे दिन में मारा जा सकता है और ना ही उसे रात में मारा जा सकता है। ऐसे में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और खंभे से प्रकट हुए। उन्होंने उसे पकड़कर अपनी जांघ पर बिठाया और वो भी उसी की दहलीज यानी कि चौखट पर, और उसके बाद अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ डाला। इस तरह से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को तो बचा लिया, लेकिन वह इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्हें कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। स्वयं उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी उनसे प्रार्थना करती हैं, लेकिन वह उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं। वह वीरभद्र को, यानी कि भगवान शिव वीरभद्र को भेजते हैं नरसिंह भगवान के पास, लेकिन फिर भी वीरभद्र उनको समझाने में नाकामयाब होता है। ऐसे में भगवान शिव को अपना एक अलग ही अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि नरसिंह भगवान का जो अवतार था वह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसे में भगवान शिव को भी शरब अवतार लेना पड़ा। शरब अवतार में एक पंख में वीरभद्र तो दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुए। भगवान शरब के मस्तक में भैरव और चोंच में सदाशिव हुए और शरब रूपी शिव ने भगवान नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में उड़ चले। शरब रूपी शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर छाती में चोंच का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया, जिसके बाद शरब ने अपने तीखे पंजों से नरसिंह भगवान की नाभि को चीर दिया।
नरसिंह का शरीर नष्ट हो चुका था, उसके प्राण रूपी तेज श्री हरि विष्णु में वापस विलीन हो गए और उसी के बाद उन्हीं के खाल को भगवान शिव ने ग्रहण करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी शरभ अवतार और नरसिंह अवतार के बीच की महायुद्ध की गाथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और द भक्ति की टीम की तरफ से आप सभी को होली पर्व की महाशुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप जहां पे भी होली मनाएंगे बड़े ही सुखद अंदाज में और साथ ही सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के साथ मनाएंगे। दोस्तों, आशा है ये रंगों भरा त्योहार आपकी जिंदगी में तमाम तरह की खुशियां ले आए और आपकी जिंदगी में चार चांद लगा दे। तब तक के लिए द भक्ति के साथ जुड़े रहे और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।